राजधानी दिल्ली में अगले साल निगम के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अभी से ही हलचल तेज हो गई है। साथ ही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भी अब तेज होती जा रही है। इसके अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों के बीच पहुंचकर जनसंपर्क अभियान पर भी अब जोर शोर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी कतरन मार्केट में कांग्रेस द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश लिलोठिया मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा और दिल्ली के रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खुलवाने पर जमकर निंदा की और इलाके में काम न होने पर आम आदमी पार्टी को घेरा। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया कि जो रोड, लाइट, पार्किंग, सरीखे निर्माण कार्य कराए गए हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा उसका रखरखाव भी सही से नहीं किया जा सका। साथ ही इस दौरान बीजेपी शासित एमसीडी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। यहाँ के लोग भोले भाले हैं, उनको लगा कि ये सब चीजें जो फ्री में दे रहा है, शायद इससे बहुत कुछ उनका उद्धार हो जाएगा, और फ्री का लालच देकर वोट ले लिया। और यहाँ पर किसी भी जो मंगोलपुरी से रहने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया था उसकी आज की तारीख में मरम्मत तक की नहीं हुई है। जो सड़कें, जो गलियां, जो सीवर, जो लाइट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के टाइम पे लगी, अगर वो कहीं पर टूट गई है, खराब हो गई है, तो वहाँ पर उसकी मरम्मत भी अभी पिछले 7 सालों में नहीं हुई है। इसी तरीके से देश के अंदर, पूरे देश की अगर बात करूँ तो नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, उसने भी यहाँ पर लोगों को गुमराह किया। नौजवानों को बोला कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, यहाँ पर 15-15 लाख लोगों के अकाउंट के अंदर पहुँचेंगे, इस तरीके की झूठी बातें की। लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली नगर निगम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, आप देखिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कॉरपोरेशन के अंदर। बहरहाल राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले निगम चुनाव की गूंज अब जोरों शोरों से सुनाई दे रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही चुनाव के मद्देनजर लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जनसभा के माध्यम से कांग्रेस लोगों के बीच पहुंचकर अपनी खोई हुई जनाधार वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस ऐसे जनसभा के द्वारा अपनी खोई हुई जमीन वापस बनाने में कितना कामयाब हो पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।